गोरखपुर की यही हकीकत है। हर तीसरा चौथा आदमी यही कह रहा है, माने यहाँ न बीजेपी लड़ रही है न उपेंद्र शुक्ला, योगी ही मैदान में है। चुनाव असल में योगी वर्सेज विपक्ष ही है, योगी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है। योगी जब प्रचार के लिए आते हैं तो उपेंद्र शुक्ला हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं योगी जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि योगी की इच्छा से ही सब हो रहा है, सही ही कर रहे हैं। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। उपेंद्र शुक्ला कैसे इस नारे को भूल सकते हैं। 1998 से शुक्ला यही नारा लगाते चले आ रहे होंगे। 98 में ही योगी अपना पहला चुनाव लड़े थे ना, तब से ही मंच की जिम्मेदारी उपेंद्र शुक्ला संभालते आ रहे हैं। बताते हैं कि उपेंद्र को गोरखपुर का हनुमान कहा जाता है, सो ये हनुमान अपने राम को कैसे भूल सकता है। फिर पिछले 5 चुनावों में उन्हें इतना तो गणित समझ आ ही गया होगा कि योगी रूपी हवा ही उनकी नैया पार लगा सकती है, तभी वो योगी योगी कर रहे हैं पहले से थोड़ा और जोर से। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला खुद के लिए नहीं योगी के लिए वोट मांगते दिखे हैं। वैसे भी इस बार गोरखपुर लोकसभा की ये सीट उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। इसका बड़ा कारण है यहाँ का जातिगत समीकरण। पिछले 4 चुनावों में तो ये जातिगत समीकरण कोर हिंदुत्व के आगे नहीं चल पाया, मगर 1999 में ये समीकरण चला था, अंजाम तक तो नहीं पहुंच पाया था, मगर योगी आदित्यनाथ की सांस जरूर अटका दी थी। तब योगी दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उम्र 27 रही होगी, मगर ये युवा जोश मात्र 7,339 वोटों के अंतर से जीत पाया था। योगी बस हारते हारते रह गए थे, उनको 2,67,382 वोट मिले थे। सामने थे जमुना प्रसाद निषाद, निषाद को मिले थे 2,60,043 वोट। मुस्लिम, निषाद और यादव वोटों की गोलबंदी ने बस लंका लगा ही दी थी। खैर, योगी इसके बाद सतर्क हो गए। नतीजा ये रहा कि 1999 के बाद योगी ने फिर किसी को ये मौका नहीं दिया। गोरखपुर की हार जीत योगी आदित्यनाथ के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी, मगर 1999 में और 2018 के इस उपचुनाव में बड़ा अंतर है। तब सपा बसपा अलग लड़े थे, अब दोनों साथ हैं। अब मुस्लिम, यादव, निषाद की इस जोड़ी में मायावती के दलित वोटर भी जुड़ गए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो गोरखपुर में करीब 20 लाख वोटर हैं, इसमें सबसे ज्यादा निषाद हैं, माने 3.5 से 4 लाख के आसपास। फिर 2 लाख दलित, 2 लाख मुसलमान और करीब 1.5 लाख यादव वोटर हैं, कुल 9 से 10 लाख के बीच। सो अगर इनकी गोलबंदी हो पाती है जैसे 1999 में हो गई थी, सो कुछ भी हो सकता है। ये बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पता है, तभी वो इस गठबंधन को भुनाने में कोई चूक नहीं रखना चाहते हैं। मंच से बुआ मायावती को धन्यवाद देना नहीं भूलते, ये कहना नहीं भूलते कि इस बार समाज के सभी निचले और शोषित तबके एक साथ आ गए हैं। बीजेपी से ये भी सवाल करते हैं कि क्या मैं हिंदू नहीं हूँ। उनकी जनसभाओं में बसपा के झंडे भी दिखते हैं, होर्डिंग में अम्बेडकर भी दिखते हैं, माने अखिलेश कोई भी कार्ड छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोड़े भी क्यों, 2019 का सेमीफाइनल जो हो गया है गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव, बीएसपी और सपा एक पाले में हैं, जिनके सामने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि इस गोलबंदी में निर्णायक निषाद वोटर ही होंगे, यही कारण है कि सभी पार्टियों ने निषाद बहुल इलाकों में अपने नेताओं को लगा रखा है। सपा ने स्थानीय नेताओं राम भुवाल निषाद के साथ ही राम सुंदर दास निषाद, शंखलाल मांझी, राजपाल कश्यप जैसे चेहरों को वहां झोंक रखा है। भाजपा से राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, मछुआरा प्रकोष्ठ के मनोज कश्यप के साथ ही स्थानीय नेता निषादों की बस्ती में घूम रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा की 3 विधानसभाओं में निषादों का अच्छा दखल है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी सभाएं निषाद बहुल इलाकों में की हैं। खैर, निषाद वोटर क्या सोच रहा है इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। वो इसलिए कि एक चौराहे पर खड़े रमेश निषाद कहते हैं कि इस बार सपा बसपा और निषाद पार्टी साथ हैं, हालात पक्ष में हैं। उन्हें लगता है कि इस बार उनकी बिरादरी का प्रत्याशी जरूर जीतेगा, इसलिए वो लोग एकजुट हैं। मगर ये एकता कुछ दूर चलकर टूटती नजर आती है जब हम जयप्रकाश निषाद से बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिरादरी से एक ही प्रत्याशी होने के चलते सपा फायदे में तो है, लेकिन उनकी बिरादरी में भाजपा की भी अच्छी पैठ है। कुछ लोग एक किस्सा भी बताते हैं कि कैसे उपेंद्र दत्त शुक्ल ने एक निषाद युवक की खून देकर जान बचाई थी। ये किस्सा बीजेपी नेता भी निषाद बस्ती में खूब सुना रहे हैं।
कुछ यही हाल अन्य जाति के लोगों में भी है। मामला एक तरफा नहीं दिख रहा है। वैसे भी ये जातिगत गोलबंदी पिछले 30 सालों में तो एकाध मौकों को छोड़ दे तो नहीं ही चली है। इसका बड़ा कारण है मठ, गोरखनाथ मठ। मठ की आस्था यहाँ के लोगों में कुछ इस कदर भरी हुई है कि जाति पर आस्था भारी पड़ जाती है। ग्रामीण इलाकों में भी लोग जाति से ज्यादा मठ के प्रति अपनी आस्था पर जोर देते हैं। उन्हें लगता है कि वोट देकर ही उन्हें पुण्य मिल जाएगा। विरोधी भी मठ के इस प्रभाव को नकार नहीं पाते हैं। कहते हैं कि लोग यहाँ जाति की बात भले करें मगर अंत में वोट बीजेपी को हो डालकर आते हैं। बीजेपी माने योगी, योगी माने मठ को। आस्था सारे फैक्टरों पर भारी पड़ जाती है। यही कारण है कि 1989 के बाद से अब तक ये सीट गोरखनाथ मठ के कब्जे में है। यही कारण है कि सपा के प्रत्याशी प्रवीण निषाद गोरखनाथ मठ से भी आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। साथ ही उनके खेमे ने गोरखनाथ मठ पर भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। वो ऐसे कि बाबा गोरखनाथ के गुरुवार मत सेंद्रनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो मछली के पेट से पैदा हुए थे। इनका कहना है कि हम मछुआरे हैं, सो मत सेंद्रनाथ पर पहला हक भी हमारा हुआ। इसे प्रचारित भी करवाया जा रहा है। खैर ये पैंतरा कितना चला ये बाद में पता चल ही जाएगा, मगर इस बार बीजेपी का प्रत्याशी मठ से नहीं है। 30 साल बाद ये कुर्सी मठ के हाथ से बाहर जा रही है। दावेदार हैं उपेंद्र शुक्ला। शुक्ला यूं तो बीजेपी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनके गोरख प्रांत का अध्यक्ष बनने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इस प्रांत के 10 जिलों की 13 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती। मगर उनको भी ये बात भली भांति पता है कि मठ के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होना है। तभी वो योगी योगी का माला जप रहे हैं। उनका मुकाबला सीधे तौर पर सपा के प्रवीण निषाद से है। कांग्रेस प्रत्याशी सुहिता करी मैदान में तो है मगर वो मैदान में नजर नहीं आती हैं। लोकल लोग उन्हें पसंद तो करते हैं मगर प्रत्याशी के तौर पर नहीं।